मौत इस तरह से भी आएगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, क्योंकि घर में सोई हुई दादी पोती आधी रात को मौत के आगोश में सो गई, जिसका काफी देर तक किसी को भी पता नहीं चला। यह हादसा हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल की जरलोक पंचायत में उस समय हुआ जब रात करीब 2:30 बजे तेज बारिश के चलते घर के पीछे मलबा पक्के मकान के अंदर घुस गया और अंदर सोए हुए परिवार पर आफत आ गई। मलबा इतना जोर से मकान में घुसा कि एक कमरे में सोई हुई दादी लज्जा देवी उम्र 63 और उसकी पोती सिमरन कुमारी उम्र 7 साल मौके पर ही मर गई। वहीं साथ के कमरे में सोए हुए दादा भी मलबे में दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब मलबा दूसरे घरों में पहुंचा तो मौके पर आकर देखा कि दादा मलबे में दबा हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला तो दोनों कमरों में मलबा भरने से दादी और पोती को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये सर अभी क्या हुआ, पूरी रात नाइट में फुल बारिश हुई और ऐसे ऐसे मकान पूरा गिर गया, नीचे पूरा ही लाशें पड़ गया नीचे मकान के ऊपर, ठीक है सर। और एक बच्ची की मौत हो गई हमारे इधर, मेरी सिस्टर है और वो मेरी दादी जी है, उनके भी डेथ हो गई है बीच में। वो दीवार फाड़ के मतलब ये जो है पूरा दोनों की डेथ हो चुकी थी। जब सब सुबह हम पहुँचे यहाँ पे, हम भी साई में गए थे, उसके बाद फिर जैसे कि हम पहुँचे तो यहाँ देखा तो हमने क्या देखना था, वो जो हमारे घर में भी पूरा ही लाशा चल गया था और दादी का भी कुछ भी नहीं रहा इनका। और ये है ना सर, जैसे कि अब देख लो, अब हमारे भी बहुत नुकसान हो चुका है, हम भी घर के बाहर निकल चुके हैं, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास इधर। कितनी उम्र थी दोनों की? लड़की की उम्र थी 10 साल और दादी की उम्र होगी कम से कम 60-70 ऐसे। पूरी रात के लिए कोई आया यहाँ पे प्रशासन से? कोई आया? हाँ, यहाँ पे आए थे वो प्रधान वार्ड पंच आए थे और SDM अफसर के वो भी आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने भी तहकात की, वो फोटो फाटो खींच के ऐसे ले गए हैं पूरा। अब देखते हैं अब क्या होता है सर कार के बाद। लोगों के अनुसार रात के समय बारिश के करीब बीच चीखें सुनाई दी और मौके पर पहुंचे तो पूरा कमरा मलबे में दबे हुए थे, जिसे बड़ी मुश्किल बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि घर के ऊपर से लहासा गिरकर दीवार के अंदर आ घुसा, जिससे ये हादसा हुआ है। पौने 4 बजे के करीब हुआ था जब मेरे को आज चीखें दिखाई दी और मैं अपने घर से आया सीधा, तो यहाँ पे हल्ला गुल्ला और इनकी रो रहे थे बहुत ज्यादा। तो जब यहाँ देखा तो दरवाजा बंद था और उसके बाद यहाँ पहुंचा तो दरवाजा तोड़ा, उसके बाद जो बंदा अंदर था जीवित तो उसको निकाला और जो अंदर दब गए थे उनको बाद में निकाला मैंने, ठीक है जी। और फिर उसके बाद लोग ला इकट्ठे हो गए, फिर जो डेड बॉडी थी वो निकाल के ले आए और विभाग भी पहुंच गए उस टाइम तक। हुआ क्या बेसिकली, मतलब हादसा हुआ कैसे? हुआ जैसे इनकी यहाँ से ऊपर से दलदल बन गया मिट्टी और पूरा ला गिरा और पूरी दीवार तोड़ के अंदर हो गया और जो सोए हुए थे बिस्तरे के ऊपर वो दब गए नीचे और जो एक उनका बुजुर्ग था वो थोड़ा आधा ही दबा था तो उसको निकाला फिर जब दरवाजा तोड़ के, ठीक है जी। मलबा पड़ा हुआ था और खून के धब्बे पड़े हुए थे अंदर तकिए में और पूरा मलबा जो है यानी कि दरवाजे से बाहर आ चुका था, पीछे वाले जैसे यानी कि पीछे की साइड से पूरा दरवाजे वाली साइड को पूरा। मकान के कितना हिस्सा वहाँ पे टूट चुका था? मकान का पूरा नहीं है, पीछे का हिस्सा ही है यानी कि दरवाजे तक यानी कि आ चुका है पूरा ही।